ये गीत हमारा फर्स्ट सॉन्ग था, पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग किया इसको। शंकर जयकिशन जी ने मुझे ट्रेनिंग दिया था, एक्चुअली राज साहब ने मुझे डिस्कवरी किया। एक पार्टी में मैंने गीत गाया, राज साहब आए हुए थे, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि बॉम्बे में आकर वॉइस टेस्ट देना और हम देखेंगे अगर हो सका तो। तो मैं बॉम्बे में आर के स्टूडियो में जाकर वॉइस टेस्ट दिया। उन दिनों वॉइस टेस्ट देना पड़ता था, माइक्रोफोन टेस्ट कहा करते थे। और आर के में सबको वॉइस अच्छी लगी और दे सेंट मी टू शंकर जयकिशन। इमिडिएटली कुछ गुरुजी वगैरह आए और वॉइस मतलब ट्रेनिंग शुरू किया। फिर फर्स्ट सॉन्ग तितली उड़ी उड़ जो चली, शैलेंद्र जी ने लिखा। शंकर साहब ने कहा कि नई लड़की है, शायद वर्डिंग्स वगैरह डिफ़िकल्ट नहीं देना, ईजी होना चाहिए। और शैलेंद्र जी हर गीत में कुछ ना कुछ तत्व छुपा के देते हैं और आप लोगों को मालूम ही होगा एक एक गीत उनका कितना मतलब मीनिंगफुल होता है, फिलॉसफी उसमें छुपा रहता है। और इस गीत में भी उन्होंने सिंपल गीत दिया है, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। और हम कहते हैं कि आत्मा को एक पंछी जैसा तितली समझिए, और आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। परमात्मा से छुटकर ज़मीन पर धरती पर आई है, वापस अपनी सोर्स में जाना उनके लिए ज़रूरी है। और इस तितली भी मोक्ष में जाना चाहती है और माया मोह उसको खींचते हैं, और ये तितली ने अपना रास्ता लेकर अपने मोक्ष में जाकर मिलती है। ये फिलॉसफी मुझे कई सालों के बाद समझ में आया, शैलेंद्र जी ने इसमें छुपा कर इतनी सिंपल सॉन्ग में दिया है। और ये गीत जैसा रिलीज़ होते ही ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिट हो गया था, और बच्चे से लेकर बड़े तक इस गीत को अभी तक याद रखा है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ इस गीत की इतनी फरमाइश होती है। और बिना का गीतमाला में एक साल तक ये टॉप में रहा, और बाद में ज़बरदस्ती इसको एक साल हो गया है अभी, इसको नीचे लाओ करके उन्होंने निकाला। और फिल्म फेयर अवार्ड जब अनाउंस हुआ था, बाहरों फूल बरसाओ को जितने वोट्स मिले उतने वोट्स तितली उड़ी को भी मिला, और फिल्म फेयर वाले ने कहा कि दोनों को इक्वल वोट्स मिले, अभी किसको अवार्ड दें। और फिर उन्होंने स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया, और उस साल के बाद नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कहा फीमेल प्लेबैक सिंगर और मेल प्लेबैक सिंगर का दो अवार्ड्स उन्होंने नेक्स्ट ईयर से अनाउंस किया। इस तरह से फिल्म फेयर की अवार्ड की हिस्ट्री इस गीत ने बनाया है। यह आज तक आपके दिलों में ताज़ा है और मेरे दिल में भी ये गीत ताज़ा है। मैं आपको इस गीत को सुनाती हूँ। थैंक यू।
सो मच। हूँ एज कहवा मांगू छू के मारी एटली नानी उमर छे के आवा सॉन्ग तो मैं कोई दिवस सांभळ्या ज नथी, પણ આમના આપણા એટલા નસીબ સારા કહેવાય કે એટલા જૂના 60-70ના આપણે સિંગરને આપણે સાંભળી શકીએ, એકદમ આપણા નસીબ સારા કહેવાય। એટલે હું બહુ જ આ જે ત્રણ ગીત એમણે ગાઈ મેં કોઈ સાંભળ્યા જ નથી, પણ એમને સાંભળ્યા પછી એમ લાગે છે કે મારા ફેવરેટ ગીત સોંગ્સમાંથી આ ફેવરેટ મારા સોંગ્સ થઈ ગયા છે, હવે મને એવું લાગે છે કે બહુ જ હું નસીબદાર મને માનું છું। અને પપ્પાને પણ બહુ થેન્ક યુ કહું છું, ભૂપેન્દ્રભાઈને થેન્ક યુ કહું છું કે એમણે આવા દિગ્ગજ આપણને સિંગર્સ આપણને ઓળખાણ કરાવી, બહુ જ થેન્ક યુ પૂર્વી, વી આર ઓવરવેલ્મ્ડ।